नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योमबास शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में। लौंग एक मसाला या औषधि ही नहीं है, इसको तंत्र की दृष्टि से बड़ा श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। कहा जाता है लौंग के माध्यम से ऊर्जा का ट्रांसफर आसानी से किया जाता है। इसीलिए लोग किसी के ऊपर कुछ करना होता है तो अक्सर आपने देखा होगा लौंग का प्रयोग करते हैं। लौंग के माध्यम से तंत्र में एनर्जी ट्रांसफर की क्रिया आदिकाल से हो रही है। जब किसी को बस में करना हो, सम्मोहन में करना हो, तमाम चीज़ों में आपने देखा है लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वायु पित्त कफ में कफ नाशक लौंग को माना जाता है और पीड़ा को खत्म करने वाला लौंग को माना जाता है। कहा जाता है कि लौंग में एंटीबायोटिक की दृष्टि से प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है। इसके सेवन से वायरल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है। ये तो आयुर्वेद की दृष्टि से इसका गुण हुआ। अब हम अगर बात करें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में, तो इसके रंग और स्वरूप को देखते हुए शनि और राहु केतु का भी गुण इसमें पाया जाता है। इसका स्वाद और इसका रंग, ये शनि राहु केतु के गुणों में पाया जाता है। अगर बात की जाए तो 10 महाविद्याओं को, देवी को यह लौंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए जिनके घर में बीमारी हो, जिनके घर में कोई निगेटिव चीज़ें हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर देखें। छोटे छोटे 2-3 उपचार आपको यहाँ पर हम बताएंगे लौंग के माध्यम से, जो आपके घर के वास्तु या आपके ऊपर की गई एनर्जी को ख़त्म कर सकता है। लौंग अपने आप में ऊर्जा को समेटे हुए और ऊर्जा को ले जाने वाला एक बेहतरीन तांत्रिक पदार्थ में कहा जाए या तांत्रिक सामग्री कही जाए। सस्ता और सुलभ, हर जगह आसानी से प्राप्त होने वाला, ज़्यादातर हमारे किचन में भी इसकी उपयोगिता की जाती है। जैसे आप देखेंगे आजकल फ्राइड राइस पड़ता है, उसमें पड़ता है, सब्जियों में डाला जाता है, चाय में भी लोग डालते हैं, एक आयुर्वेदिक गुण के नाते। अब हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय पे। अगर आपके घर में आपको लगता है कि कोई निगेटिव ताकत बार बार आती रहती है और आपके घर के वास्तु को खराब करती है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? 21 की संख्या में आप लौंग ले लें और उसको काले कपड़े में बांध कर माता दुर्गा के सामने रख दें और 10 महाविद्या में धूमावती देवी के मंत्र का जाप करके उसको चार्ज कर लें। चार्ज कैसे किया जाएगा? उसी पोटली को सामने रख कर माता का ध्यान करते हुए कम से कम 1100 मंत्र का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है, मैं बता देता हूँ। धूम धूम धूमावती स्वाहा, धूम धूम धूमावती स्वाहा, धूम धूम धूमावती स्वाहा। मैंने 3 बार इस मंत्र का उच्चारण किया, काले कपड़े में बांध कर 21 लौंग को रख देना है और इस मंत्र को 1100 बार जप कर दीप दिखाने के बाद उस जो पोटली को दीप से दिखाकर ले जाकर अपने मुख्य द्वार पर दरवाजे पर लटका देना है। आप देखेंगे घर में जो भी निगेटिव चीज़ें आ रही थीं वह आनी रुक जाएंगी। अब इसी पोटली का एक प्रयोग और कर सकते हैं आप। आपके घर में लगता है कि किसी के ऊपर कुछ निगेटिव चीज़ें की गई हैं, इसी लौंग की पोटली को बनाकर इसी प्रक्रिया के माध्यम से बिस्तर के नीचे जाकर रख दीजिए। आप देखेंगे जो भी बीमारी या निगेटिविटी उस आदमी में है, धीरे धीरे वह बाहर आनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई दुश्मनी है या निगेटिविटी है तो क्या करें। लगभग 101 लौंग गिनती कर लें आप और माता रानी का कोई भी मंत्र उठाकर, इसके लिए तो मैं आपसे बोलूँगा कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए, चाहे वो
नौवाण मंत्र उठा लीजिए, चाहे धूमावती देवी का जो मंत्र मैंने अभी बोला वो आप ले लीजिए। लेकर आप हर दाने के साथ मंत्र को जपते हुए माता रानी के चरणों में रखते जाइए। 108 की संख्या वाला 1000 लौंग आपको पूरा करना है, पूरा कर लीजिए। उसके बाद मन में ये भाव रखिए, संकल्प रखना है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हमसे विवाद करना बंद कर दें, हमारी दुश्मनी अपने मन से समाप्त कर दें, हमारा भी जीवन शांतिपूर्ण बीते, उनका भी जीवन शांतिपूर्ण बीते। उसके बाद वो सारा लौंग लेकर आप नदी के किनारे जाकर बहते हुए पानी में फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें और घर वापस चले आएँ। आप देखेंगे इस प्रक्रिया को आप जब करेंगे, इस प्रक्रिया को करने में 11 से 21 दिन जरूर लीजिए। एक ही दिन सारी लौंग मत कर दीजिए, 11 से 21 दिन में उसको आप बराबर मात्रा में डिवाइड कर लीजिए। जितना ज़्यादा लंबा समय आप देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 1001 की संख्या में ये लौंग रखिए और 21 दिन या 11 दिन में उसको बराबर हिस्से में बांट कर माता रानी का कोई भी मंत्र, आप 10 महाविद्या में धूमावती देवी का ही मंत्र ले सकते हैं जिसको हमने बताया है, बराबर मात्रा जप कर माता रानी के चरणों पर रखना है काले कपड़े में बांध कर। 11-21 दिन का जब संकल्प आपका पूरा हो जाए उसको लीजिए, बहते जल में जाकर प्रवाहित कर दिया, और जल में प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कोई रोके ना कोई टोके ना, दो हाथ इसमें नहीं करना, जो करे कोशिश करके वही ले जाकर बहते पानी के किनारे इसको प्रवाहित करें। आप देखेंगे जो घर में दुश्मनी है वह समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। पहला प्रयोग आप वास्तु के परिपेक्ष में कर सकते हैं, दूसरा प्रयोग स्वास्थ्य के परिपेक्ष में कर सकते हैं, तीसरा प्रयोग आप दुश्मनी के परिपेक्ष में कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लौंग पे प्रयोग हैं। पति पत्नी के बीच में विवाद हो, संतान सुख में बाधा हो, या आपके ऊपर किसी ने निगेटिविटी कर दी हो, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो लौंग के माध्यम से किए जाते हैं। वैसे गुरुओं ने लौंग के प्रयोग के बारे में लोगों से शेयर करने से काफ़ी मना किया है, क्योंकि इसके प्रयोग बहुत तेज़ी से काम करते हैं। ज़्यादातर लोग इसकी निगेटिव चीज़ों में यूज करते हैं, सम्मोहन या किसी के जीवन में नुकसान। मित्रों, ऐसे किसी भी प्रयोग से आप बचें, क्योंकि ये जितने निगेटिव प्रयोग आप कभी किसी के लिए करेंगे वह आपके जीवन में प्रतिफल बनकर वापस आएगा। और इसका लॉजिक मैं आपको बता दूं, क्योंकि शनि देव का प्रभाव लौंग में होता है, शनि देव कर्म के कर्म फलदाता हैं। जब आप कोई निगेटिव चीज़ करते हैं तो वह अपने अपनी साढ़े साथी या अपनी महादशा में उन्हीं निगेटिव फलों का परिणाम आपको प्रदान करते हैं। शास्त्रों में तंत्र क्रिया के निगेटिव प्रयोग के बारे में बहुत खराब बताया गया है। कहा जाता है जो लोग इसका प्रयोग करते हैं उनका जीवन अगले जन्म में बड़ा कष्टकारी और पीड़ादायी होता है। इस नाते यहाँ पर जो भी पॉजिटिव प्रयोग हैं, तंत्र से संबंधित, भाग्य वृद्धि से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वो सारी चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो में समय समय पर ज्योतिष पंचांग के माध्यम से बताते रहेंगे। आपको कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में हमसे बातचीत करनी हो, दिए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।